लाइक वाटर फॉर चॉकलेट एक मैक्सिकन लव ड्रामा है। ये कहानी प्यार और लंबे इंतजार की है। ऐसा कहा जाता है कि हर इंसान अपने सीने में एक चिंगारी दबाए हुए है, जिसे भड़काने के लिए प्यार के ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्यार में संयम का होना बड़ा जरूरी है। अगर आग दहक गई तो प्यार करने वाले इसमें जलकर मर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात 19वीं सदी की शुरुआत की है। मेक्सिको के एक दूर दराज इलाके में पशुपालन के लिए एक बड़ा प्राइवेट रेंच था। एक दिन इस रेंच की मालकिन एलिना किचन में प्याज काट रही थी। तभी एलिना को अचानक प्रसव की पीड़ा होने लगी और उसने किचन टेबल में ही अपनी बेटी टीता को जन्म दिया। टीता का जन्म समय से पहले हुआ था। ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी माँ के कोख में भी किचन में काटे जा रहे प्याज की तेज सनसनाहट तकलीफ दे रही हो। टीता एलिना की तीसरी संतान है। उससे पहले भी उसे दो बेटियां पैदा हो चुकी थी। प्रीमेच्योर डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने एलिना को एक बड़ी बुरी खबर दी। अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती है। टीता ही उसकी आखिरी संतान होगी। घर में जब टीता के जन्म को सेलिब्रेट किया जाता है तो लोग कहते हैं कि उसकी तीसरी संतान भी एक लड़की ही है। तब एक अनजान आदमी एलिना के पति से कहता है कि इसमें केवल उसकी गलती नहीं है, उसकी दूसरी बेटी गर्ट्रूडिस रेंच में काम करने वाले एक अफ्रीकन अमेरिकन मुलाटो की बेटी है। एलिना के पति को उनके अफेयर की जानकारी तो थी, पर उनके बीच इतना कुछ छुपा है उसे नहीं पता था। जब वो ये खबर सुनता है तो उसे दिल का दौरा पड़ता है और टीता के जन्म उत्सव के दौरान ही उसके पिता की मौत हो जाती है। एलिना के पति की मौत के बाद उसके प्रेमी को रेंच छोड़कर जाना पड़ता है और एलिना के ऊपर अपनी तीनों बेटियों की देखभाल और रेंच संभालने का जिम्मा आ पड़ता है। जल्द ही एलिना सारे काम बखूबी संभालना सीख जाती है और अपनी छोटी बेटी टीता को उनकी मेड नाचा के साथ किचन के कामों में लगा देती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, किचन के कामों में माहिर होने लगती है। उसकी दोनों बड़ी बहनों के मुकाबले टीता को किचन में ज्यादा काम करना पड़ता है। असल में एलिना अपनी छोटी बेटी टीता को बचपन से ही अपने बुढ़ापे की लाठी बनाने के लिए तैयार कर रही है। टीता तब तक अपनी माँ की सेवा करेगी जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। जैसे उसने टीता को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो उसके बुढ़ापे में उसकी देखभाल कर सके। टीता को उसने हमेशा यही सिखाया है कि वो उसे कभी सवाल ना करे और चुपचाप वही करे जो उससे कहा गया हो। रेंच में कभी कभी उसके पति के दूर के रिश्तेदार डोन पास्कुएल मुजकुइज अपने परिवार के साथ आया करता है। उसका बेटा पेड्रो मुजकुइज बचपन से ही टीता के प्रति आकर्षित है। टीता भी उसे पसंद करती है। जब वे बालिग हुए तो पेड्रो ने टीता से अपने मन की बात की और उससे उसका जवाब मांगा। तब टीता ने भी उसे पसंद करने की बात कही। अब तो टीता और पेड्रो के अफेयर के बारे में घर में सभी को मालूम है। टीता की दोनों बड़ी बहनें उनके अफेयर के बारे में जानती हैं। धीरे धीरे रेंच में काम करने वाले और उनके सारे सगे संबंधियों को भी उनके बीच चाहत की खबर हो चली है। लेकिन सबके मन में ये सवाल लगातार घूमते रहते हैं कि क्या एलिना कभी भी अपनी बड़ी बेटियों के कुंवारे रहते पेड्रो और टीता के रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी। उसने तो टीता को बचपन से ही अपनी पर्सनल मेड बनाने के लिए ट्रेंड किया है। एलिना को अब अपनी बेटी की खुशियों और अपने आराम में से किसी एक चीज को चुनना है। जिस तरह की एलिना है, ये उम्मीद उसे कम ही है कि उसे अपनी बेटी टीता की खुशियों की थोड़ी भी परवाह होगी। जब पेड्रो के पिता एलिना के पास अपने बेटे और टीता के रिश्ते की बात लेकर पहुंचता है, तब एलिना टीता की शादी कराने से इनकार कर देती है और कहती है कि जब तक वो जिंदा है टीता को उसकी सेवा करनी होगी। वो शादी नहीं कर सकती है। यही इस परिवार का रिवाज है कि छोटे संतान अपने पेरेंट्स की तब तक सेवा करते हैं जब तक कि पेरेंट्स की मौत ना हो जाए। इसका मतलब है कि एलिना के मरने के बाद ही टीता शादी कर सकती है। एलिना पेड्रो और उसके पिता के सामने एक बड़ा ही घटिया प्रस्ताव रखती है। वो कहती है कि पेड्रो चाहे तो उसकी बड़ी बेटी रोजौरा से शादी कर सकता है। वो उम्र में टीता से ज्यादा बड़ी नहीं है और उसकी उम्र भी पेड्रो से शादी के लिए परफेक्ट है। काफी देर सोचने के बाद पेड्रो इस शादी को हाँ कर देता है
पेड्रो के पिता को भी ये जानकर बड़ी हैरानी है कि अगर उसका बेटा टीटा से प्यार करता है तो कैसे उसकी बड़ी बहन रोजोरा से शादी की बात को एक्सेप्ट कर सकता है। वापस लौटते वक्त डॉन पास्कुएल अपने बेटे से उसकी इस बेतुकी हरकत का कारण पूछता है। तब पेड्रो बतलाता है कि अगर वो रोजोरा से शादी कर लेता है तो उसे अपने प्यार टीटा के नजदीक रहने का मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ ये जानते हुए भी कि पेड्रो और टीटा के बीच अफेयर है, उसकी बड़ी बहन रोजोरा इस शादी के लिए राजी हो जाती है। जब ये खबर टीटा को मिलती है कि पेड्रो ने उसकी बड़ी बहन से शादी की बात को एक्सेप्ट कर लिया है तो टीटा का दिल टूट जाता है। उसे उसका अफेयर एक मजाक मालूम पड़ता है। पेड्रो कैसे उसकी बड़ी बहन से शादी के लिए हाँ कर सकता है? क्या वो केवल कहने के लिए ही उससे प्यार करता था? टीटा इतनी दुखी है कि जब पेड्रो और रोजोरा की शादी के लिए केक तैयार करती है तो केक उसके आंसुओं से नमकीन हो जाता है। एलिना ने ना सिर्फ टीटा की जिंदगी बर्बाद की है बल्कि उसे उसकी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए भी मजबूर किया है। एलिना ने अपनी बेटी टीटा को उसकी बड़ी बहन की शादी में उसकी बेस्ट गर्ल बना दिया। टीटा अपने ही प्यार की शादी देखने के लिए मजबूर थी, ऊपर से उसे मुस्कुराने का दिखावा भी करना था। पेड्रो और रोजोरा की शादी के दौरान टीटा के चेहरे को देखकर उनके संबंधियों में इमोशन की ऐसी लहर पैदा हुई कि ना तो वे खुशियां ही मना सके और ना ही उन्हें शादी का खाना पचा। हालांकि यहाँ पेड्रो ने टीटा से अपने मन की बात कही थी कि उसने उसकी बहन से केवल इसलिए शादी की है कि वो उसके नजदीक रह सके, पर क्या टीटा के लिए यह काफी है? शादी में खराब खाना परोसने के लिए एलिना उन पर इतनी गुस्साई हुई है कि कार्यक्रम के बाद उसने टीटा और उसके किचन में काम करने वाली ओल्ड नाचा की अच्छे से खबर लेने की ठान ली है। पर अगले दिन जब वो टीटा और नाचा की खबर लेना चाहती है, उसे पता चलता है कि नाचा की मौत हो गई है। वो अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर अपने हाथों में लिए मरी थी। शादी के बाद पेड्रो उसी घर में रहकर रेंज की देखभाल करने लगा। अब तो टीटा के लिए भी उसे रेजिस्ट करना कठिन होने लगा था, पर यहाँ उसकी माँ एलिना की उन दोनों पर कड़ी नजर रहती थी। ऊपर से रोजोरा भी पेड्रो को अकेला रहने नहीं देती थी। वे चाहकर भी एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी चाहत को दिखलाने का जरिया ढूंढ ही लिया। उनकी आंखें और टीटा के अलग अलग पकवान उन दोनों के प्यार और लस्ट को एक्सप्रेस करने का साधन बने। उनकी आंखों में एक दूसरे के प्रति इतनी चाहत और लालसा है कि इसकी आग एलिना की दूसरी बेटी गर्ट्रूडिस को भी जला रही है। एक दिन वो इतनी बेकाबू हो जाती है कि रेंच में बिना कपड़ों के यहाँ वहां भागने लगती है। बाद में एक फ्रीडम फाइटर सार्जेंट ट्रेविनो उसे अपने साथ ले उड़ता है। कुछ दिनों बाद एलिना को खबर मिलती है कि उसकी बेटी गर्ट्रूडिस एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है, पर असल में बात क्या है किसी को नहीं पता है। जब एलिना को उसकी बेटी के प्रोस्टिट्यूट बनने की खबर मिलती है, वो उसकी हर निशानी जलाकर मिटा देती है और उसे सारा रिश्ता तोड़ देती है। एक दिन जब घर में कोई नहीं है, उसकी बड़ी बहन रोजोरा को प्रसव की पीड़ा उठती है। टीटा प्रसव के दौरान उसकी मदद करती है और सक्सेसफुल तरीके से बच्चा डिलीवर करा देती है। घर का फैमिली डॉक्टर डॉक्टर जॉन ब्राउन भी उसकी नर्सिंग की काबिलियत से बड़ा प्रभावित होता है। उसने रोजोरा की बेटी के बर्थ सेलिब्रेशन के दौरान गलती से यह कहकर टीटा को दुखी कर दिया कि वो बच्चे का इतने अच्छे से ख्याल रखती है कि वो एक दिन उसके हाथ में उसका खुद का बच्चा देखता है। यहाँ टीटा को अपनी माँ से एक और बुरी खबर मिलती है कि वो रोजोरा और पेड्रो को अमेरिका के सैन एंटोनियो भेज रही है, जहाँ उसकी सेहत की अच्छे से देखभाल हो सकेगी। रोजोरा और पेड्रो के जाने के बाद एलिना का बर्ताव अपनी बेटी टीटा के प्रति और भी रूखा होने लगा है। वो उसे किसी गुलाम की तरह ट्रीट करती है। ना तो टीटा उससे कुछ शिकायत कर सकती है और ना ही रोकर दिल हल्का कर सकती है। रोजोरा और पेड्रो के जाने के कुछ दिन बाद उन्हें एक बुरी खबर मिलती है कि रोजोरा का नवजात बेटा रोबर्टो उसकी घटिया देखभाल की वजह से चल बसा। ये बड़ी दुखदायक खबर है। टीटा ने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला था। कुंवारी होते हुए भी वो रोबर्टो को शांत करने के लिए अपने सीने से हमेशा लगा कर रखा करती थी, जैसे वो उसके कलेजे का टुकड़ा हो। टीटा की आंखों में आंसू नहीं ठहर पाते हैं, लेकिन उसकी माँ एलिना उसे बेमतलब में रोने से रोकती है। कैसे एलिना इतनी पत्थर दिल हो सकती है? अगर उसे अपने नाती के मरने का दुख नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीटा को अभी कोई दुख नहीं हुआ।
एलिना को उसे रोने से रोकने का कोई हक नहीं है। आज जब एलिना टीता को रोने से रोकती है तो टीता का सब्र उसके ब्रेक इवन पॉइंट को पार कर जाता है और वो अपनी माँ से इस बात पर लड़ पड़ती है। इसके बाद टीता कई दिनों तक दुख की वजह से अपने घर के छत पर बने बर्ड हाउस में बिना कुछ खाए पिए बिना कपड़ों के पड़ी रहती है और ना ही किसी से कुछ बात करती है। एलिना को लगता है कि वो पागल हो गई है, इसलिए डॉक्टर जॉन को उसके इलाज के लिए खबर भिजवाती है। डॉक्टर जॉन टीता को इस ट्रोमा से निकालने के लिए अपने घर के माहौल में ले जाता है। उसे इलाज के दौरान टीता पर कई दिनों तक मेहनत करनी पड़ी, उसका भरोसा जीतना पड़ा। एक दिन जब डॉक्टर टीता को उसके रेंच में काम करने वाली चेंचा से मिलाता है जो उसकी सहेली भी है, तब जाकर टीता कई दिनों बाद ठीक से खाना खाती है और फिर बातें करना शुरू करती है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर जॉन ब्राउन टीता के सामने उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। डॉक्टर जॉन एक अच्छा आदमी है, उसकी स्वर्गीय पत्नी से उसे एक छोटा बेटा है। टीता भी वापस अपनी माँ के घर नहीं जाना चाहती है, वो भी डॉक्टर जॉन को पसंद करती है, इसलिए उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन इस शादी की बात से टीता की माँ एलिना बड़ी नाराज है। जिस दिन वे अपनी शादी के प्रपोजल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, डॉक्टर और टीता को बुरी खबर मिलती है। एलिना के रेंज में कुछ बदमाश घुस आए थे। जब उसने उनका विरोध किया तो उन्होंने एलिना को बाड़े से नीचे नदी में फेंक दिया। चोट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। एलिना के फ्यूनरल के दिन आज बड़े दिनों बाद टीता की मुलाकात पेड्रो से फिर से हुई। उसे देखकर वो खुद के इमोशन पर काबू नहीं कर पाती है। आखिर में वो उसका पहला प्यार है। यहाँ उसकी बड़ी बहन रोजोरा भी है जो फिर से गर्भवती हो चुकी है। रेंच में ही रहते हुए कुछ दिनों बाद उसे एक बेटी पैदा होती है। उन्होंने उसका नाम स्पेरेंजा रखा है। स्पेरेंजा समय से पहले पैदा हुई थी, ठीक टीता की ही तरह, इसलिए रोजोरा को कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा। डॉक्टर बतलाता है कि अब वो फिर से मां नहीं बन सकेगी। एक दिन जब डॉक्टर जॉन ब्राउन अपने बेटे के साथ रोजोरा की बेटी को देखने आता है तो उसका बेटा कहता है कि वो एक दिन स्पेरेंजा से ही शादी करेगा। तब रोजोरा कहती है कि स्पेरेंजा को फैमिली ट्रेडिशन के मुताबिक अपने गार्जियन का बुढ़ापे में ख्याल रखना होगा और वो तभी शादी करेगी जब वे बूढ़े होकर मर जाएंगे। स्पेरेंजा के लिए ऐसे प्लान सुनकर टीता को बड़ा बुरा लगता है और वो मन ही मन कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। आजकल टीता रेंच में ही रहकर रोजोरा की बेटी स्पेरेंजा का ख्याल रखती है। यहाँ उसे कई बार मौका मिलता है कि वो अपने प्यार पेड्रो के नजदीक आए, लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करती है उसकी माँ एलिना की आत्मा उसे सताया करती है। एक दिन अचानक रात में उसके घर विद्रोहियों का एक दल पहुंचता है। टीता देखकर हैरान है कि इस दल में उसकी बहन गर्ट्रूडिस भी शामिल है। असल में आज गर्ट्रूडिस उनसे मिलने आई है। उसने दल के नेता सार्जेंट ट्रेविनो से शादी कर ली है। उसके आने पर घर में एक जोरदार जश्न होता है। गर्ट्रूडिस ने अच्छा किया कि अपनी माँ एलिना के चंगुल से निकलकर अपने लिए अपने पसंद का साथी चुना। अब उसकी अपनी मनमर्जी की जिंदगी है। कम से कम वो टीता की तरह इस संशय में तो नहीं है कि क्या वो डॉक्टर जॉन ब्राउन से शादी करे या फिर अपनी बहन के पीठ पीछे उसके पति पेड्रो से प्यार करे। एक दिन टीता डॉक्टर जॉन से कहती है कि वो पेड्रो से प्यार करती है, लेकिन जब वो यहाँ होता है वो केवल उसके बारे में ही सोचती है। उसने डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाया और अपनी सारी फीलिंग्स उसके सामने जस के तस रख दी। आखिरकार टीता डॉक्टर जॉन ब्राउन से शादी कर लेती है। इसके बाद 22 साल बीत जाते हैं। उसकी बड़ी बहन रोजोरा की मौत हो जाती है और स्पेरेंजा भी इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी शादी डॉक्टर के बेटे से हो रही है। आज कई दिनों बाद टीता और पेड्रो ने एक दूसरे को देखा है। जब शादी के बाद सारे गेस्ट चले जाते हैं, वे दोनों कई साल बाद सुनसान रेंच में एक साथ बिताते हैं। एक दफे डॉक्टर ने टीता से कहा था कि हर इंसान अपने सीने में एक चिंगारी दबाए हुए जीता है जिसे भड़काने के लिए प्यार के ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्यार में संयम का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आग दहक गई तो प्यार करने वाले इसमें जलकर मर जाते हैं। और आज टीता और पेड्रो के बीच ऐसा ही होता है। प्यार की आग दहक गई है जिसे बुझाना मुश्किल है। आज बरसों बाद वे इतनी बेसब्री से मिले थे
कि पेड्रो का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। बिस्तर पर ही काम उत्तेजना से लबरेज पेड्रो की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। टीटा और उसके इंतजार की ये कहानी जनरेशन बाय जनरेशन आके सुनाई गई और आज इसे उसकी ग्रेट ग्रैंडडॉटर सुना रही है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।